चलो तो फिर आज कहीं दूर नहीं जाते, अपने ही बैंड्रा की सैर कराते हैं तुमको एंड फादर एग्नेल चर्च, जो कि बहुत फेमस है बैंड्रा में, लेट्स विजिट दैट ऑल्सो। तो यह है आई लव बैंड्रा का एक स्क्रिप्चर बनाया है यहाँ पे, और ये बस से मैं ट्रैवल कर रही हूँ। यहाँ पे ब्यूटीफुल ग्रीनरी है, और ये देखो ये जो पुतला है, ब्यूटीफुल, इट इज़ अमेजिंग मैन। और ये फिल्म सिटी का जो मतलब वो जो शूटिंग कर रहा है, ऐसे वो इंसान का वो पुतला लगा वहाँ पे बनाया है, विच इज़ रियली वेरी गुड आइडिया, क्योंकि बैंड्रा में बहुत से फिल्म स्टार्स वगैरह रहते हैं तो इसके लिए। एंड ये ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पे बारिश में थोड़ा सा आज ये दिखाया है उसका रंग। और यहाँ पे क्या है, मैराथन चलती रहती है एवरी संडे, सो जैसे कि आज संडे है तो आप देख सकते हो बहुत से लोग यहाँ पे दौड़ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। ओके, तो ये देखो एक जेट यहाँ पे बनाया हुआ है, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। और उस तरफ वहाँ पे बैंड स्टैंड बोलते हैं जिसको, वो है। तो अभी थोड़ा सा ही टाइम है, उसके बाद हम पहुँचेंगे फादर एग्नेल आश्रम। इट इज़ रियली मिरेकुलस आश्रम आई कुड से। जो भी आप प्रेयर करोगे, जो भी मांगोगे ना, ज़रूर पूरा होगा। तो एक बार आप लाइफ में ज़रूर आना, अगर और आप क्रिश्चियन हो तो आप, मैं तो कहूँगी एवरी संडे यहीं पे आना। सी ये बस रहती है 211 नंबर की, और ये देखो ये फादर एग्नेल का एंट्रांस है, यहाँ से आपको जाना है थोड़ा टर्न लेके, फिर यहाँ पे एक पुतला है उसका, दिस इज द स्टेप्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यहाँ पे मास होता है, और ये देखो ये जो लिखा है यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से लिखा है, आई लव मुंबई करके। सो बैंड्रा इज़ वेरी बेस्ट पार्ट इन मुंबई आई कुड से। एंड मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक व्लॉग बनाया है इस बैंड्रा को लेके, सो कैसा लगा ज़रूर बताना। एंड दिस आर सम शॉप्स